दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते किस टाइप से है किला ठो। ये झरिया का राजागढ़, आप लोग देख सकते किला। राजा का मंदिर, राजा तालाब बोलता है, राजा रानी सब उसमें रहता था। देख सकते ढलाई लोग का, पहले तो देख सकते किस टाइप से। ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ लक्ष्मी, और मंदिर है का इधर भी, इधर कुछ रहता है यार डर। तो है एवरीवन, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। सब लोग चल रहे हैं झरिया, तो टाइटल थंबनेल ये ट्रेलर में देख ही लिए होंगे कि कहाँ गए थे। तो राकेश भाई आया तो निकलिए चलते हैं हम राकेश, और दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो में आगे। दोस्तों फिलहाल निकल पड़े घर से, देख सकते हैं धनबाद का गर्दा, देखिए गर्दा डस्ट एरिया ना। ये है राजागढ़, आप लोग को बता देना चाहते हैं हम लोग आए राजागढ़। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ से एंट्री है खतरनाक। तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं झरिया वाला राजा वाला किला है, पुराना है आपका। तो दोस्तों देख सकते किस टाइप से है किला ठो। लोग भी रह रहे हैं अभी जो कि इधर देख सकते हैं। तो कब का बना हुआ हमें पता है नहीं, पर बहुत दिन पहले का बना हुआ है। फिलहाल हम लोग यहाँ तो पहुँचे हैं, पर हमको पता नहीं किसका किस तरह से रास्ता है। हमको एक ही सीन नज़र आया, राकेश जा रहे वहाँ पर फिलहाल पूछने। अरे अंकल से पूछते हैं कितना बड़ा है महल और कितना बड़ा नहीं है, पूछने जा रहे हैं। चारों तरफ बड़ा हो। सो दोस्तों फिलहाल सीन हो गया गलत, क्योंकि अंदर में वीडियो बनाना मना है, हमको पता नहीं था। बट हम आए थे यही सोच के कि वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, और अंदर घुसना मना है। फिलहाल बाहर बाहर से ले सकते हैं, हम लोग बहुत पीछे साइड में आए हैं। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तो हो गया टाइम टाइम फीस। दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुँच गए दूसरा लोकेशन पर, आपको बीचों बीचों घर बनाया हुआ है, वो तालाब पास पहुँच गए। ये रहा तालाब, और वो वाला दिख सकता है वहाँ पर राजा तालाब बोलता है। तो बोला जाता था कि राजा रानी सब उसमें रहता था, बीचों बीच बनाया था घर। और ये तालाब पहले बड़ा था, अभी तो छोटा होगी, आप लोग देख सकते हैं फिलहाल पीछे मेरा। सो दोस्तों फिलहाल देखो भैया सुत्ता लो वहाँ पर, उससे पूछे तो बोल रहा मंदिर है, कुछ पद बोल रहा नहाने जाता था। हमको वही कन्फ्यूज है कि मंदिर होगा उसमें नहाने जाएगा। इधर पार्क टाइप का बना दिया है मस्त, यहाँ पर एक बेंच भी है बैठने लायक। दोस्तों अभी देखे राकेश, उससे पूछा राकेश तो बोल रहा मंदिर था, बताइए हमको नॉलेज नहीं है, बट जो भी आप ही लोग लो जानी हो। प्रेत आत्मा सब किया सब प्रेत आत्मा क्या किया याद एक्चुअली किससे हो हम भी चलते हैं अगर हाँ। शर्ट पहन अंदर में क्या पूरा महल है, मौत का कुआं है, हंसी देता था राजा भी है सब मिला। तो दोस्तों चलिए इसको ट्राई कर दो ले जाने के, यहाँ से क्या क्या दिखा। गाड़ी यहाँ खड़ा किए हैं दोस्तों, फिलहाल ले लिया है, चलिए दिखाते हैं ट्राई करते हैं। ठीक है तो बोल रहा नीचे वाला रास्ता। सो दोस्तों देखिए ऊपर महल है, इधर तो रास्ता है, गेट है, तो देख सकते हैं देखो गेट है शायद, सीढ़ी मिला यहाँ से, चलिए देखते हैं जाने का रास्ता है इसका इधर से। हाँ तो वहीं पर निकल गए। दोस्तों घूम फिर के फिर से वहीं निकल के देख सकते हैं, हंसी आ रहा है हमारा आने तक। गाड़ी लेकर परिवार है जी, राजा का बाल बच्चा भी अपन 150 लोग है जी भीतर खानदान है, मियां चिल्ला नाती पोता सो हमें था कि पूरे मंदिर है पूजा पाठ करा। अच्छा हमारा बड़ा बेटा था कि हमें था पेशी के स्कूल अच्छे और मंदिर अच्छे। दोस्तों देख सकते किस टाइप से है राजा का गढ़, पुराना गढ़ बोले करना समय राजा उजा का समय कहता होगा। पागल के चक्कर फंस गया, बोरा घुसा देंगे अंदर, घंटा घुसा अंदर, फोटो खींच दे रखो, देखिए जरा पोज मार रहा कैसा। तो ये है राजा का मंदिर, इधर ही गोल लगते हैं तो रियल मंदिर का सीन कुछ इस प्रकार से है, और राजा महाराजा का टाइम का मंदिर है, बजरंग बली भी उधर। सो दोस्तों देख सकते हैं जय मां नीलकंठ, राज परिवार का है मंदिर। चलिए निकलते हैं यहाँ से, अभी भी राजा महाराजा के वहाँ पर वंशज है झरिया में, जो कि अंदर में रह रहे हैं, बोरा अंदर में नहीं घुसना मना है,
तो आप लोग को अंदर से दिखाते हैं, हमको भी पता नहीं था ज्यादा करके मैं कहां बना हुआ मेरे राजा के घर। पुराना मंदिर है कुछ दोस्तों, बगल में कुइयां है दोस्तों, मंदिर देख सकते किस पर। चलिए दिखाते हैं अंदर से। अच्छा ठीक है सर, तो फिलहाल देख सकते हैं सीन, पीछे देख सकते हैं और मंदिर है गंजड़ी भंगड़ी का, इधर जो रास्ता है। चलिए ना चलिए, हम चल रहे। और इस टाइप से हवेली टाइप का है इधर भी, इधर कुछ रहता है यार, डर भी लग रहा है, अंधेरा है पूरा। सो दोस्तों देख सकते हैं बढ़िया से इधर, ये राजा का मंदिर था, कितना पिल्लर है वो देख सकते हैं आप लोग, हमको तो डर लग रहा है ना यार पूरा। फिलहाल इधर से एक रास्ता देख सकते, इधर कुआं है तो इस साइड लोग आगे आप लोग ऊपर में दिखाते एक बार। तो दोस्तों सीढ़ी कुछ इस प्रकार से, कितना गंदा देख सकते। तो दोस्तों लग रहा है इसको यहाँ पर सील कर दिया है, अंदर जाने मना कर दिया है। अब पहले का देख सकते किस टाइप से बनाया हुआ है, राजा महाराजा के समय का है, लकड़ी का ढलाई लोग का पहले का देख सकते किस टाइप से किया हुआ है, पहले का ढलाई देख सकते, पत्थर है सब, लकड़ी और पत्थर। चलिए मेरा साथी चिल्ला रहा तब से रोहित, एक चीज यहाँ पर मार्बल लगा हुआ है यार, राजा महाराजा समय का देख सकते मार्बल क्वालिटी। कचर कचर हो गया भैया, ये कचर कचर कर दिया अभी तक, एक ही को पुराना जगह मिला है जहाँ हम लोग घुस सके, बाकी कहीं ना घुस पाए। वहाँ यहाँ पर भी है वो कुआं, वहाँ पर भी है कुआं देख सकते आप लोग, पानी भी होगा, राजा महाराजा के समय का है सब कुछ। चलो निकलो यहाँ से, मैं ऊपर हम बोर्ड देख सकते क्या लिखा हुआ है इसमें, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ लक्ष्मी। तो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए, उतना हमारा टाइम नहीं है पढ़े के। चलिए गोल लगते निकलते हैं, पूरा बेकार बांध टाइप का लग रहा है इधर। निकलो यहाँ से निकलो, बहुत बहुत लेट हो गलो, मत तो बावरी लगी ना तो चौहान बोल, ठीक है चौहान आज ही तो इसको हम लोग पकड़ लिए कहा जाने घुमा तो दिया, ये घुमाया बढ़िया किया, इधर हम लोग नहीं जानते थे इधर भी आए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बांदर से बांदर से बांदर दोस्तों राजा का घर देख सकते, सब उसका ही पीछे वाला भाग है कार, पुराना सब तो राजा समय का ही सब राजा का घर था। हम लोग वहाँ से निकल गए जा रहे घर, और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अपनी बोला के साथ अपडेट में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।